महाराज जी निवेदन करना चाहेंगे कि आज धर्म में जो राजनीति की जा रही है इसको लेकर के अखंड भारत सनातन धर्म कहां तक स्थिर रह सकता है। क्या नाम है आपका? बिमलेश दीक्षित। दीक्षित जी, अच्छा, क्या करते हैं? जी पंडित करते हैं। ठीक है, क्या कहा आपने धर्म में? आज धर्म में जो राजनीति समाचार पत्रों में या डिबेट में जो होती है, वहां बैठ करके जो लोग चर्चा करते हैं, चाहे राम मंदिर हो, चाहे वो आपके द्वारा कहा गया कोई वक्तव्य हो, या किसी राजनीतिक लोगों के द्वारा कहा गया वक्तव्य हो, इससे हमारा सनातन धर्म का जो परिक्षेत्र भारत वर्ष है, ये कैसे टिका रहेगा? पहली बात यह है कि आप अपने भ्रम को दूर कीजिए। दीक्षित जी बैठिए। राजनीति के पर्याय कितने हैं मनुस्मृति महाभारत आदि में, इस पर विचार कीजिए। नीति और धर्म पर्याय वाचक शब्द हैं या नहीं? अनीति और अधर्म पर्याय वाचक हैं। नीति और धर्म मनुस्मृति महाभारत आदि में राजनीति का नाम है राजधर्म, उसी को कहते क्षत्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म पुरानी भाषा में, उसी को कहते हैं दंड नीति, उसी को कहते हैं अर्थ नीति। राजनीति के लिए हमारे शास्त्रों में कितने शब्दों का प्रयोग हुआ है? राजनीति तो आप जानते ही हैं, राजधर्म, क्षत्र धर्म, दंड नीति, अर्थ नीति। राजनीति अराजक तत्व की बपौती का नाम नहीं है, राजनीति अपने आप में धर्म है। धर्म विहीन राजनीति विधवा होती है, विधवा के सदृश होती है, और राजनीति से विहीन धर्म विधुर, जिसकी पत्नी दम तोड़ गई हो रणवा, इसलिए यह भ्रम मिटा देना चाहिए। रही बात की राम जी के नाम पर राम जी का अंगूठा दिखा कर कोई राज्य करता है तो धर्म का दुरुपयोग है, राम जी का दुरुपयोग है। राम जी के लिए अगर कोई राजनीतिक दल है तो बहुत बढ़िया, और राम काज करता नहीं और राम जी का नाम लेकर चुनाव जीतने का प्रकल्प चलाता है, वो तो पाखंड हुआ, उसका समर्थन हम नहीं करते। फिर आपने हमारा भी नाम ले लिया संकेत में। आपको आपको पता नहीं है कि शंकराचार्य किसको कहते हैं? शासकों पर शासन करने वाला यह पद है। अपना भ्रम दूर कर दीजिए। सामान्य सन्यासी और शंकराचार्य में आकाश पाताल का अंतर होता है। शंकराचार्य का पद ही शासकों पर शासन करने के लिए, और अगर हम जैसे व्यक्ति राजनीति को निरंकुश छोड़ देंगे तो आपका धर्म बचेगा क्या? इसलिए हमारा धर्म होता है शासकों पर शासन करना। भले ही आज और आपको परंपरा का ज्ञान नहीं है, अच्छी बात है कि आपने जिज्ञासा व्यक्त की, जिज्ञासा से ही ज्ञान में वर्धन होता है। थोड़ा आरंभ से लेकर अब तक का इतिहास 8-10 वाक्यों में सुन लीजिए। हिरण्यकश्यपु के शासन काल में कोई दूसरा शासन तंत्र ऐसा था जो हिरण्यकश्यपु के शासन को चुनौती देने वाला था? नहीं था ना। किसने चुनौती दी हिरण्यकश्यपु के शासन को? देवर्षि नारद ने। हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु के घर में जो बाल गोपाल प्रहलाद या प्रहलाद थे, उन्हीं को लक्ष्य बनाकर नीति धर्म और अध्यात्म का उपदेश किया। गर्भगत बालक ने जन्म लिया तब वो चलता फिरता आत्मबम हो गया। हिरण्यकश्यपु के शासन तंत्र को उसी के बेटे को, पुत्र को खड़ा करके शोधित किया, यानी देवर्षि नारद ने। इससे क्या निष्कर्ष निकला? शासन तंत्र में दिशाहीनता का शोधन भारतीय मनीषियों का, व्यासपीठ से संबद्ध मनीषियों का दायित्व होता है, इसको मत भूलिए। अराजक तत्वों की बपौती का नाम राजनीति नहीं है।
अब आगे बढ़िए। बेन के शासन को चुनौती देने वाला कोई दूसरा विश्व में शासन नहीं था, लेकिन भृगु जी ने चुनौती दी या नहीं? कुछ वहीं बैठिए बैठिए। क्या हमने कहा वेन के शासन को चुनौती देने वाला कोई दूसरा शासन तंत्र था क्या? नहीं, भृगु जी ने चुनौती दे दी। बेन ने ना समझी का परिचय दिया तो हुंकार मात्र से उसे सब बना दिया। पुत्रेष्टि याग वैष्णव याग से उसका जन्म हुआ था वेन का, उसके भुजदंडों का मंथन करके योग विधा से जैसा राजा पृथ्वी जैसा पृथ्वी जैसी रानी चाहिए प्रकट कर लिया। यह है व्यासपीठ की मर्यादा, यह संत महात्मा और ब्राह्मणों का दायित्व। समझ में आ गया या नहीं? पृथ्वी जी के माध्यम से भगवान विष्णु के अंश पृथ्वी जी के माध्यम से शासन तंत्र का शोधन किसने किया? भृगु जी ने। यहाँ कई ब्राह्मण होंगे भृगुवंशी। आगे चलिए, वशिष्ठ जी ने क्या किया? रावण के शासन तंत्र को छिन्न करने के लिए यज्ञ के माध्यम से भगवान राम को प्रकट किया या नहीं? और रावण के उन्मादपूर्ण शासन तंत्र को राम जी को आगे करके रसातल में पहुंचाया या नहीं? उसमें उस समय के अगस्त जी विश्वामित्र जी सबकी सहभागिता थी या नहीं? दुर्योधन कंस के शासन को उच्छिन्न करने के लिए वेदव्यास जी ने उधर भगवान श्री कृष्ण को इधर युधिष्ठिर जी को प्रकट किया या नहीं? कलिकाल में कुमारिल भट्ट और आदि शंकराचार्य महाभाग ने क्या शासन तंत्र का शोधन किया या नहीं? आगे चलिए, चाणक्य जी ने उधर नवरत्न ने विक्रमादित्य के आगे को आगे करके, चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को आगे करके और समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को आगे करके शासन तंत्र का शोधन किया या नहीं? इसलिए आप जो समझते हैं कि राजनीति पर बोलना दिशाहीनता है वो नहीं। राजनीति धर्म का एक अंग है या नहीं? जब वर्ण धर्म आश्रम धर्म कहते हैं, पूरे धर्म पर प्रवचन करना प्रकाश डालना हमारा दायित्व है या नहीं? तो छात्र धर्म ही तो राजनीति है जी, मनुस्मृति पढ़िए। क्षत्रियों का जो धर्म है उसी का नाम तो राजधर्म है, राजनीति है। तो धर्म की सीमा के बाहर राजनीति है, ये किसने आपको बता दी? आजकल की राजनीति उन्मादपूर्ण राजनीति है, तो राजनीति ही है। राजा कोई नहीं, मंत्री सब हैं। अब देखो ना, उपहास की बात हुई, राजा कौन है? राष्ट्रपति को आप राजा कहेंगे? भारत के राष्ट्रपति जी को क्या अधिकार? और सब प्रधानमंत्री, मंत्री तो सब हैं, राजा कौन पूछिए? तो राजा है ही नहीं, मंत्री लेकर करेंगे क्या? उपहास की बात है या नहीं? आजकल प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सब तो मंत्री ही मंत्री हैं, तो राजा कौन है ये बताओ ना। अगर आप कहें कि प्रजा राजा है, तो प्रजा पीसी जा रही है। राजा होती अगर प्रजा, तो इस तरह से दुर्दशा होती होती? तो राजा तो कोई है नहीं, मंत्री मंत्री घूम रहे हैं। इसलिए है राजनीति का शोधन करना। हम चुनाव नहीं लड़ते क्या? वोट नहीं डालते? राष्ट्रपति भी वोट डालते हैं क्या? प्रणब मुखर्जी ने सबसे पहले विचार किया कि पूर्व राष्ट्रपतियों ने वोट नहीं डाला, जबकि वोट डालने का अधिकार है, मुझे वोट डालना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल की नागरिकता होने के कारण पश्चिम बंगाल की यात्रा करना जब राष्ट्रपति के पद पर थे उचित समझा। फिर सोचा कि आखिर सब समझ जाएंगे तो कांग्रेस को वोट देंगे या दिए होंगे, तो राष्ट्रपति के पद में आँच ना आ जाए, तो अपने संकल्प को उन्होंने वापस किया, बंगाल में जाकर वोट नहीं डाला कि पूर्व के राष्ट्रपतियों ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तो आप समझ गए ना, राजनीति को निरंकुश होने से बचाना यह शंकराचार्य का प्रथम दायित्व है। संभवतः शंकराचार्यों से आपका परिचय नहीं है, किसी पार्टी के व्यक्ति को आपने शंकराचार्य समझ लिया होगा। आगे कोई प्रश्न?